सैम प्लीज डोंट डू दिस टू मी नाउ। एक्सक्यूज मी, क्या किया है मैंने? सैम तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूँ? What am I doing? Sam, for God's sake, यार, अब ये सस्पेंस खत्म करो। एक बार मुझे बता दो, प्लीज। क्या? What do you want me to say? यही कि तुम उस लड़के से प्यार नहीं करती। What nonsense? I'm not in love with any guy. Really? प्यार नहीं करती हो तो फिर उससे मिलती क्यों हो? सिर्फ मुझे जलाने के लिए? That's a very good reason. पर ये वजह नहीं है जो मैं उससे मिलती हूँ। And I don't think I need to tell you the reason. Sam, please, just tell me once. Do you have anything for me? Yeah. A good breakfast. Eat it and beat it. Yeah. Sir, we did it, sir. Hamara plan. It worked, sir. It really worked. Really? Haan, sir. Sam Palak ko apne saath rakhne ke liye taiyar ho gayi hai. Thank you so much, sir. Thanks a ton. Oh, I'm happy for both of them. Okay, sir. Thank you. Bye. Okay. Believe me, ये प्लान फेल हो ही नहीं सकता। Okay, let's try. ये क्या है? शक्ति और तंदुरुस्ती के लिए एकमात्र फॉर्मूला। देखो, आप लोगों को पसंद नहीं ना कि मैं इनोवे की आर्ट के लिए मॉडलिंग करूं। चड्डी। I choose to ignore. इसलिए अब मैं इस चीज के लिए मॉडलिंग करूंगा और मेरे फीस के साथ साथ एक साल का सप्लाई बिल्कुल फ्री। तुम हड्डी पहलवान स्ट्रॉन्ग होने के फॉर्मूला के लिए मॉडलिंग करोगे? बेचारी कंपनी बंद हो जाएगी। गॉड प्लीज सेव देम बिकॉज़ दे नो नॉट व्हाट दे से। इट्स टाइम फॉर माय जिम। बाय बाय टाटा। नाश्ता? नो नाश्ता, इट्स बॉडी बिल्डिंग टाइम। मैं और चाय लेकर आती हूँ। अनन्या, यू वांट सम टी? थैंक्स दी। मामा, पता है सैम ने पलक को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया है। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल न्यूज़। बस ये है कि सैम अब दोबारा शादी नहीं कर सकती। इफ दैट्स द केस, इट विल बी लाइक एन एसिड टेस्ट फॉर हर। अगर सैम चाहे तो पलक की जिंदगी से दूर हो सकती है, बट देन कब तक और कहां तक? बेटी उसकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। सो हूएवर कम्स इन हर लाइफ शुड नो अबाउट द चाइल्ड टू। उसकी मर्जी हुई तो वो सब कुछ जानते हुए भी सैम से शादी करेगा, एंड इफ नॉट तो कोई ना कोई उसे ऐसा जरूर मिलेगा जो सैम को एक्सेप्ट करेगा एज एन इंडिविजुअल एंड विल गेट मैरिड टू हर, टू सैम एज अ पर्सन। सैम, क्या हुआ? रुक क्यों गए? Yeah, there was somebody in my life. I had a baby with him. पर मैंने उससे शादी नहीं की. And he's not there anymore in my life. क्या सोच रहे हो? टेंशन में हो? Relax. I'm not going to embarrass you. मैं क्यों embarrass होने लगा? I think it should be you. तुमसे तो कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है ये। मैं सोच रहा हूं सैम कि कल को जब तुम काम में हो और ज्यादा बिजी हो जाओगी तो बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? एंड व्हाट विद गाइस फॉलिंग फॉर हर लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा लड़कों को इससे दूर रखना, एंड स्पेशली अ साइको लाइक मी। क्यों सैम, क्या हुआ? तुमने सोचा होगा कि ये सब कुछ जानने के बाद मैं ना कह दूंगा। You were wrong, Sam. भाई इतनी अच्छी पैकेज डील तो कोई बेवकूफ ही मना कर सकता है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो बोलो बेटा, आपका नाम क्या है? पलक। मैंने आपसे नहीं पूछा। बोलो बेटा। He's right. My name is पलक। तो पलक, अब आप हमें बताएं कि आपका खाने का टाइम क्या क्या है और खाने में आपको क्या क्या पसंद है? I don't think you're getting the meaning, Ajay. मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कोई टाइम है इस तरह के जोक्स क्रैक करने का? और स्पेशली व्हेन? स्पेशली व्हेन व्हाट? देखो सैम,
तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, सो यू कैरी ऑन। बच्ची का ख्याल कैसे रखना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ओके? थैंक यू। Why does life spring with surprises when you least expect it? और लोग वही क्यों करते हैं जिनकी हमें उनसे उम्मीद भी नहीं होती? अंकल ले लेते हैं, बाय। एक्सक्यूज मी गाइस, आई जस्ट वॉन्ट योर अटेंशन फॉर सम टाइम। वो आज मेरे घर पर एक डिनर है तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, यहाँ मेरी अपनी फैमिली नहीं है, सो आई थॉट मैं आप सबको बुला लूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल द न्यूएस्ट मेंबर इन माई लाइफ। कौन भाई, इसकी लाइफ में कौन नया आ गया? लगता है नारी शक्ति के नारे लगाने के दिन गए। Another one bites the dust. कौन? Who is it? मेरी बेटी। What? मैं आप सबको उससे मिलवाना चाहती हूँ। बेटी? आज तक हमें पता ही नहीं था कि, इनफैक्ट किसी को भी ये नहीं पता था। And Sam? हाँ भाई, adoption तो एक नया फैशन सा हो गया है ना। अनन्या? अगर आप आएंगे सर तो I'll be very happy. In fact मुझसे ज्यादा खुशी तो पलक को होगी। Of course I want to come. लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपनी खुशी शेयर करने के लिए पूरे ऑफिस को इनवाइट तो कर लिया है, लेकिन तुम्हारा घर छोटा नहीं पड़ेगा। आई नो सर, बट आई थिंक वी विल मैनेज। व्हाई डोंट यू हैव द पार्टी इन माय लॉन, ओनली इफ यू डोंट माइंड। साउंड्स रियली ग्रेट। व्हाट्स योर सैम? आई गेस सो। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। सबको बुला भी लेंगे। अनन्या, पार्टी समित के घर पर है। ग्रेट। अनन्या यूज्ड टू लव। ना चाहते हुए भी अनन्या का नाम तुम्हारी जुबान पर आ ही जाता है। Samantha, she's a part of my life. Just because वो मेरी जिंदगी में अब नहीं रही, उसके बारे में बात करने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता ना। She'll always be a part of my conversation. Well, I can see that. You know, Samantha, initially I thought that you're a completely different person. But tumne mujhe kabhi bhi misjudge nahi kiya. I guess it's the way we look at people. We always tend to categorize people. Ki aisa hai, wo aisa hoga. Shayad main bhi aisi kisi category mein tha, jise log pasand nahi karte the. But then Ananya changed me completely. उसने उन सारी कैटेगरीज को तोड़ दिया। She changed me. शायद इसलिए मुझे तुम भी एक अलग नजरिए से देखती हो। या, तुम्हारी ये बातें काफी देर तक मुझ पर असर करती रहेंगी। It's gonna take me a lot of time to get over what you just told me. It's just that I'm very confident about my love. And it's just a few days before I go back to India. तुम यहीं से कॉल करके अनन्या से बात क्यों नहीं कर लेते? No. हमारे बीच इतना कुछ हो चुका है कि दूर से बात करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब वो ऑफिस वापस आ गई है, जो भी बात होगी वहीं जाकर करेंगे। शायद उसके लिए मुझे समित की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सबने पहना है। It's the spirit of the party, sir. So you have to put it on. No, no, it's okay. So please. Joe, it's all right. क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। देखो तुम्हारी पार्टी में सबने कैप्स पहनी है ना, लेकिन कुछ लोग
Yes. अब ये कैप नहीं उतारेंगे? ओके, हम ये कैप नहीं उतारेंगे। पूरी पार्टी में? पूरी पार्टी में। रात में भी नहीं उतारेंगे? रात में? ओके बाबा, हम प्रॉमिस करते हैं पूरी रात हम ये टोपी नहीं उतारेंगे। ऑलराइट। उदिता? या? तुम्हारा सलवार कमीज में? हाँ, नाइस ना? या, पर मैंने तुम्हें अक्सर कभी सलवार कमीज में नहीं देखा। या, आई नो, बट यू नो व्हाट? आई जस्ट फाउंड आउट दैट गाइस ना, आजकल के लड़के, दे लाइक गर्ल्स इन सलवार सूट्स, इसलिए। बाय अदु। बाय। अनन्या, the way you're looking at that child, ऐसा लग रहा है that you want one someday. Yeah, जब मेरी शादी होगी, one day. I'm sure it'll happen, Ananya. And वो जरूर तुम्हें मिलेगा, who'll make you believe in love once again. वो दिन शायद कभी नहीं आएगा. Nor there will be any another man in my life, ever. You know what, Ananya? मैंने एक बात रियलाइज की है. जिस चीज की हमें सबसे कम उम्मीद होती है ना, इट हैपेंस लाइक दैट, एंड यू नो व्हाट, विद दैट पर्सन जिसे हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं. सैम, ये कैप कैसी लग रही है? वो पलक ने जिद की, इसीलिए मैंने पहन ली. फैबुलस. थैंक यू. आज के बाद आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ. मुझे मम्मा बोलो बेटा. मम्मी मम्मी. Samit is getting closer to everyone. मुझे लगता है मैं भी अपने नेबर्स के बच्चों को लाके get a little closer to him. Hey, Udita, आज तुमने वैसे क्या हुलिया बना रखा है? What हुलिया? Sam, sweetheart, तुम नहीं जानती आजकल लड़के उन्हीं लड़कियों को देखते हैं who wear ethnic stuff, you know? You know, Salva Valva, yeah, I just like the girls in a skirt. Sam, मैं अभी आई, okay? हुआ क्या? You know what? All of a sudden, men have changed their preference. So I should change too, है ना? Yeah. उदिता, अच्छा वाली बात. हाँ. कहाँ जा रही हो? Change करने. But why? Because that guy, he likes girls in skirts. पर मैं चेंज कहाँ करूंगी? और कपड़े भी नहीं हैं. अभी चलेंगे डांस करने. नो, आई एम फाइन. कैसी रही तुम्हारी पार्टी? ग्रेट मामा, पलक तो बहुत ही खुश थी.
एंड सो वर ऑल द पीपल हु मेट हर. बहुत क्यूट है क्या वो? हाँ दी, शी इज लाइक अ डॉल. जब से उसकी बातें सुनी आई एम डाइंग टू मीट हर. नो बट रियली हैट्स ऑफ टू सैम. इतना ब्रेव डिसीजन लेने के लिए नीड अ लॉट ऑफ गट्स. आई थिंक यू गॉट अ वेरी स्ट्रांग फ्रेंड दी. हाँ अनन्या, सचमुच बहुत हिम्मत है समीरा में. एंड यू नो, सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि ये फैसला उसने किसी और के कहने पर नहीं किया, खुद किया है. हाँ मामा, वो बहुत ही स्ट्रांग है. बट यू नो, तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना. ये फैसला तो कर लिया उसने, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है अनन्या. शी नीड ऑल योर सपोर्ट. जी मामा, हम उसके साथ हैं हमेशा. कॉलर पे कुछ लगा है? नो सर, नथिंग. तो क्या देख रही हो? कुछ नहीं. श्योर? एक्चुअली सर, मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कल रात आप जिस मूड में थे, जिस तरह से पलक के साथ खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इट वाज अ डिफरेंट यू. नेवर सीन यू लाइक दिस. कभी कभार हमें जो दिखता है वो सच नहीं होता. नजरों को धोखा अक्सर हो जाता है. आप नजरों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो दिल भी बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं. और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मेरे पास दिल ही नहीं है. अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं करनी चाहिए. और आगे मैं जहां भी काम करूंगी, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस. मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा पहना हो. कुछ लोग इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो अपने दिल पर काबू पाना सीख लेते हैं. शायद उन लोगों के पास दिल नहीं होगा साहब.